पेटेंट्स में इससे पहले हमने बात की थी पेटेंट इन्फ्रीजमेंट की और एक्सेप्शन इन इन्फ्रीजमेंट ऑफ पेटेंट राइट इन यूजिंग पेटेंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है असाइनमेंट एंड लाइसेंस ऑफ पेटेंट की। अगर पेटेंट एप्लीकेशन हमारी फाइल हो चुकी है उसके बाद हम उसकी लाइसेंसिंग कैसे ले सकते हैं। तो अगर पेटेंट के आवेदन है जो भी रजिस्टर्ड साइन है वो जितने भी पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए हैं हमारे आवेदन में हमारी एप्लीकेशन में, तो किसी एक एका स्वीकारी यानी कि जो इंडिविजुअल पेटेंटी है उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों को शीर्षक यानी कि जो टॉपिक है और उसका जो इंटरेस्ट का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करना ही असाइनमेंट कहलाता है। मतलब अगर एक ओनर है वो अगर अपने पूरे पूरा इंटरेस्ट अगर उसका जितना भी उसके पास अपने एका स्वाधिकारी जो अधिकार है वो अगर इच्छा अनुरूप वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है तो वो असाइनमेंट ऑफ पेटेंट कहलाता है। और अन्य व्यक्ति जिसको ये पेटेंट अधिकार प्राप्त हुए हैं जब ट्रांसफर्ड हुए हैं वो क्या कहलाता है, असाइनी कहलाता है। अब जो ट्रांसफर्ड किए गए जो अधिकार होंगे उसका जो स्वामित्व है वो भी नियमानुसार किसके अधीन हो जाएगा, असाइनी के। तो जो पेटेंट एक्ट हमारा 1970 था उसके अनुरूप कोई भी अगर पेटेंट है वो अपने स्वामी को अपने अधिकारों को असाइनमेंट या लाइसेंस देने का अधिकार प्राप्त करवाता है। तो जो हमारे असाइनमेंट्स हैं यानी कि जो एक्सक्लूसिव असाइनमेंट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगे। कैसे, जैसे प्रोडक्ट के सीमित प्रकार के लिए सीमित स्थानों के लिए ही मान्य होगा। ये तो बात हो गई असाइनमेंट्स सॉरी असाइनी और लाइसेंस की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। ऐसे कौन कौन से असाइनमेंट्स हैं जो कि हम पेटेंट एक्ट के अनुरूप उसके अधीन हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है लीगल असाइनमेंट। इसमें पेटेंटी द्वारा जो हस्तांतरित किए गए जो अधिकार है उनका स्वामित्व है वो असाइनी को कानूनी तौर पर उसके ओनरशिप में पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। दूसरा है इक्विटेबल असाइनमेंट। इक्विटेबल असाइनमेंट में पेटेंट के जो मूल स्वामी है उसका उसका जो स्वामित्व है ये उसका जो वो कानूनी रूप से ही प्रभावित होता है, यानी कि जो असाइनी है वो पेटेंटी के क्या है, न्यायपूर्ण साझेदार होगा। और देन है मॉर्टगेज गिरवी, यानी कि वो इसमें अधिकारों के स्वामित्व या ओनरशिप को असाइनी पक्ष में ट्रांसफर करने के लिए जो असाइनी है वो पेटेंटी को क्या देता है, धन देता है। तो इसके पश्चात क्या होगा, जो पेटेंटी या जो असाइनर होगा वो जब भी इस धन को असाइनी को वापस लौटा देगा तो वो अपने पेटेंट राइट्स है वो वापस ले लेगा। तो इसमें आएगा मॉर्टगेज में आएगा ये। और इसके अनुसार अगर एक्ट के अनुसार अगर जो असाइनी डिसीज असाइनी ने है उसका कानून प्रतिनिधि भी ऐसा होगा कि उसमें ये सेम रूल लागू होगा। मतलब अगर हमारा जो असाइनी को ट्रांसफर किए गए जो भी अधिकार है वो मृत होने के असाइनी के मृत होने के बाद भी वो जो अधिकार हैं जो कानूनी रूप से लागू होंगे। फिर है लाइसेंस ऑफ पेटेंट। यदि कोई पेटेंट है वो अपने अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करवा रहा है तो ये उसमें प्राविधान होता है कि वो एक एग्रीमेंट के तहत उस लाइसेंस का करार कर सकता है और उस प्रतिबंधों के अनुसार वो कार्य करता हुआ इन्वेंशन कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसको बेच सकता है, उसका आयात कर सकता है। तो पेटेंट का जो स्वामी है उस लाइसेंस के खिलाफ जो है वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी वो लाइसेंस उसे प्राप्त है तो अब वो उसे कैसे भी यूज कर सकता है और वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के अंडर में नहीं आएगा। देन है कंपल्सरी लाइसेंस। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लेने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो कंट्रोलर को आवेदन करता है और इस आवेदन में ऐसा पेटेंट प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है जिसकी जो स्वीकृति है यानी जो डेट ऑफ ग्रांट है उसके 3 वर्ष बीत चुके हों। और ये कौन कौन से आधार या ग्राउंड्स पे दिया जाता है। पहला है कि जो पेटेंट है उसका
जो अन्वेषण है, जो इन्वेंशन है, वो जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, या फिर पेटेंट किया जा चुका अन्वेषण है वो भारत की टेरिटरी में एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, या फिर जो पेटेंट किया जा चुका जो इन्वेंशन है वो संबंधित जो पब्लिक है, रिलेटेड पब्लिक की जो उपयुक्त आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इन तीनों के आधार पे कंट्रोलर है वो उनकी बातों पे विचार करता है, और इन्वेंशन की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, पहला जो पेटेंट है उसके समाप्त होने की अवधि क्या है, जो भी आवेदक है, अब जो भी पेटेंटी होगा उसका जो कार्य है वो जनता के हित में कितना क्षमता पूर्वक है, और पेटेंट दिए जाने के पश्चात कार्य करने की योग्यता क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कंट्रोलर है कोई उचित जो निर्णय है वो लेगा। और इन रियलिटी जो हमारा कंपलसरी लाइसेंस है वो पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम एक्सक्लूसिव राइट दिए जाने के कारण जो उत्पन्न होने वाले जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए हम ये लाइसेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। देन अगर हम ऑनलाइन बात करें तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है हमारे वर्ल्ड में, तो थ्रू आउट जो वर्ल्ड है, अब एक पहले क्या होता था, एक जगह पे अगर कोई रिसर्च हुई है तो उसका दूसरे देशों को या दूसरी जगह उसका एक्सपोजर नहीं होता था इतनी इजीली, लेकिन डाटाबेस आने से क्या हुआ है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो ये हेल्प करते हैं और निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करते हैं कि कोई एक रिसर्च है वो दोबारा उसे लाइसेंसिंग ना मिले, यानी कि एक अगर ओनर है किसी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन का तो वो जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सिर्फ उसे ही मिले, बाकी किसी दूसरी जगह पे अगर सेम तरह की इन्वेंशन रिकॉर्ड हुई है तो वो उसके इंफ्रिंजमेंट के अंदर चला जाएगा। तो निरीक्षण जो पेटेंट डाटाबेस है या अन्य उपलब्ध जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उस उद्देश्य से किया जाता है कि जो पेटेंटी है या जो इन्वेंटर करता है उसको ये पता चल सके कि जिस संबंधित पेटेंट से, जिस इन्वेंशन से रिलेटेड हम पेटेंट हम करवाना चाह रहे हैं तो वो पहले से ही उपलब्ध है या नहीं है। तो हम वो किसमें चेक कर सकते हैं, हमारे जो पेटेंट डाटाबेस है, पेटेंट सर्च के कई प्रोग्राम्स हैं उसमें हम ये देख सकते हैं, और ये एक तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान जो है वो हमें उपलब्ध है। तो पेटेंट के लिए आवेदन देने से पहले ही ये चीज उचित रहती है, सही रहती है कि हम पेटेंट डाटाबेस में ये चीज चेक करें। अब है प्रायर आर्ट सर्च या पेटेंटेबिलिटी जो है वो भी एक तरीके से इसे ही कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो डाटाबेस है उनका निरीक्षण करना होता है, जिसमें ऑनलाइन डाटाबेस भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई अकेला डेटाबेस नहीं है जो कि हम संसार में जो है पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी प्रकाशित जो हमारे पेटेंट है उनका अभिलेख उपलब्ध ना हो। इसके अलावा पेटेंट अभिलेखों को आवेदन के साथ जमा किए जाने के पश्चात उनका निरीक्षण पेटेंट कार्यालय में किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा वो लाइसेंस के लायक नहीं माना जाएगा। डाटा क्या होता है, एक तरीके से हम देखते हैं कि ये एक तरीके का रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसमें कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्राप्त अंक हो या उनकी जन्म तिथि हो या उस स्थान के नाम हो, वो व्यक्तियों के आय आदि, उसमें हम क्या करते हैं सीरियल वाइज डिपिक्ट करते हैं। तो अब डाटाबेस क्या हुआ, डाटाबेस एक तरीके से क्या है, एक इंटर रिलेटेड सेल्फ डिस्क्राइबिंग ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब हम इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट से लेके कोई भी मैच्योर मैं उसे एज अ इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए उसे एक्सेस या यूज कर सकता है।
अब जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जो हम इनपुट डिवाइस डालते हैं उसको भी डाटा द्वारा क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे रेलवे टाइम टेबल हो गया, हमारा कैटलॉग ऑफ बुक्स यानी कि जो हम बुक्स रखते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी, टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, इक्विपमेंट इन्वेंट्री हो गया, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, इनपुट डिवाइसेस में। तो जो डाटा में जो अनाधिकृत पहुंच यानी कि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन है जिसको हम विदाउट पासवर्ड जो है उसके हम क्या कर सकते हैं, उसको सिक्योर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि जो डाटा अपडेशन की जो प्रोसेस है उसमें कोई भी रिकॉर्ड में हम या तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं या हम उसको फर्दर अमेंड करके उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पे हम कोई भी नई इन्वेंशन है उसको क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जो डाटा नियम हमारा सिस्टमिक तरीके से अरेंज कर दिया जाता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ कंक्लूश उसका कंक्लूजन निकाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, सूचना के रूप में उसको हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटाबेस यानी कि टाइप्स ऑफ पेटेंट सर्च कौन कौन से हैं। तो जितने भी पेटेंट से संबंधित डाटा और या फिर सूचनाएं हैं वो पेटेंट डाटाबेस के अंडर में आते हैं, और किसी भी इन्वेंशन का जो पेटेंट प्राप्त करने से पूर्व हम पेटेंट डाटाबेस का निरीक्षण करते हैं, उसे प्रायर सर्च करा जाता है, और ये कुछ प्रकार के ऐसे निरीक्षण होते हैं जो कि बाद में पेटेंट प्रदान करने के बाद में भी किया जाता है, और ये हम इसे पोस्ट सर्च कहते हैं। और मोस्टली प्रायर सर्च है वो इंटरनेट के द्वारा ही होंगे क्योंकि जितने भी हमारे डाटाबेस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इसमें दो टाइप के डाटाबेस होते हैं, सीडी रोम और ऑनलाइन डाटाबेस। सीडी रोम जो है वो पेटेंट से संबंधित जो डाटा है उसको टेक्स्ट या फिर आकृति या फिर एक तरीके से स्ट्रक्चर वाइज उसको हम उस रूप में सीडी रोम में उपलब्ध होता है, और जिसका जो यूज है हम केवल एक ही कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन जो सीडी रोम डाटाबेस है वो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं रहता, इसीलिए इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस यूज करते हैं। ऑनलाइन डाटाबेस हम इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और इसको हम इंटरनेट से जोड़ के हम वर्ल्ड के किसी भी डाटा से हम जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जो डाटा है ये नियमित रूप से क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कौन सा डाटाबेस है वो आजकल यूज हो रहा है और पहले कौन सा यूज होता था। पहले कौन सा, सीडी रोम डाटाबेस यूज होता था और अभी ऑनलाइन यूज होता है, और इसमें आपको इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंशन करने होंगे। जैसे इसमें एक तरीके से क्या होगा, हम अपना जो क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो भी पेटेंट से संबंधित है, लिंक्ड है, उनको वो संस्थाएं क्या करती है, ऑनलाइन डेटाबेस को निशुल्क प्रोवाइड करती हैं ताकि कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर सके। अब जैसे फुल जो हमारा क्या कहते हैं, फुल पेज इमेज डाटाबेस यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, जिसे हम USPTO बोलते हैं, ये एक तरीके का ऑनलाइन पेटेंट डाटा उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ये एग्जाम्पल आप मेंशन जरूर करेंगे इसमें ऑनलाइन डाटाबेस में। अब आते हैं कि कौन कौन से सर्चेज हैं, उनके एम्स क्या है और उनके कौन कौन से पर्पस हैं जो वो सर्च है वो सर्व करती हैं। पहला है प्री एप्लीकेशन। प्री एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें पेटेंट को आवेदन करने से पहले हम क्या करते हैं, इससे संबंधित जितने भी इन्वेंशन हैं, अभिलेख हैं, वो जनता के ज्ञान तथा देश विदेश में प्रदान किए जा चुके जो पेटेंट है उनका सर्च किया जाता है। यानी कि एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं उससे पहले का आवेदन। देन नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन और स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें हम इन्वेंशन से रिलेटेड अब तक जितना भी हमें ज्ञान उपलब्ध है, जो टेक्निक हमारे पास है जिनका हमें पता चलता है, या फिर जो बाकी जो अन्य परिस्थितियां उससे हम क्या करते हैं, इन्वेंशन के डेवलपमेंट के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। थर्ड है नोवेलिटी। इसमें हम ये सत्यापित करते हैं कि जो भी हमारी इन्वेंशन है वो क्या है, नोवल है और ये पहले से उपलब्ध नहीं है।
देन फोर्थ है वैलिडिटी और पेंटेबिलिटी. वैलिडिटी यानी कि उसकी कितनी मान्यता है. तो इस प्रकार के निरीक्षण के हम क्या करते हैं, उन अभिलेखों का अध्ययन और निरीक्षण करते हैं जो कि इन्वेंशन या अन्वेषण के पेटेंट कराने में नोवेल्टी के अलावा दूसरे मानक भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे इन्वेंटिवनेस, यूजफुलनेस एटसेट्रा. देन है नेम. इस प्रकार के परीक्षणों में हम प्रकाशित जो पेटेंट है उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति या कंपनियां या जो असाइनी है पेटेंटी हैं उनके साथ में जो भी जो इन्वेंटर है उनकी सूचना और पता लगाते हैं जिन्होंने उस इन्वेंशन के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी. क्योंकि विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ असाइनी और पेटेंटी वी कांट वैलिडेट और वी कांट लाइसेंस दैट पेटेंट ऑन द पर्टिकुलर इन्वेंशन. देन कम्स सर्टेन लीगल स्टेटस. तो ऐसे कई निरीक्षणों का उद्देश्य ये होता है कि वो किसी एक या अनेक देशों में किसी एक नियम अनुसार किसी पेटेंट या प्रकाशित पेटेंट आवेदन का कानूनी स्तर पर क्या करे, लीगलाइजेशन करे. देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इनका काम ये होता है कि कोई भी इन्वेंशन है या फिर जो कंपनियों की पहचान करना जो टेक्नोलॉजी के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक्टिव हो, और ये यह भी पता लगाता है कि कंट्री में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं, और इससे ये सुविधा प्राप्त होती है कि हम किसी तकनीक से संबंधित सूचना है वो किसी देश से प्राप्त होगी. यानी कि हम घर बैठे बैठे हम इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें कौन सी इन्वेंशन के लिए कौन सी जो सूचना है वो हमें कौन से कंट्री से अवेलेबल होगी. देन है इन्फ्रीजमेंट, जो कि हमने पहले लेक्चरों में बात की थी कि पेटेंट इन्फ्रीजमेंट कब होगा, जब कोई भी औद्योगिक क्रिया है उसके कारण उसका उल्लंघन ना हो, जिसको हमें पता चल सके कि वर्तमान जो पेटेंट के द्वारा है वो औद्योगिक जो क्रिया है वो पूर्ण या आंशिक रूप से सहित क्या हो, एक्सक्लूसिव अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं. देन है पेटेंट फैमिली. इन निरीक्षणों के द्वारा हम पेटेंट अभिलेखों की फैमिली का पता लगाते हैं. अब बात करते हैं कि पेटेंट फैमिली होती क्या है. इसी छह तरह की पेटेंट फैमिली होती है. पहला है सिंपल पेटेंट फैमिली, जिसमें ये फैमिली एक ही इन्वेंशन से रिलेटेड होती है और इसमें प्रायोरिटी राइट का आधार एक या एक से अधिक ओरिजिनेटिंग जो आवेदन है वो होते हैं. देन नंबर आता है कॉम्प्लेक्स पेटेंट फैमिली. यह फैमिली एक से या अधिक इन्वेंशन से रिलेटेड होती है जिनका जो दृष्टिकोण या एस्पेक्ट है वो एक ही होता है, और उसमें प्रायोरिटी का जो अधिकार है वो प्रत्येक सदस्य की कम से कम एक समान जो कॉमन ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन होती है. यानी कि सिंपल में क्या था, एक से अधिक ओरिजिनेटिंग आवेदन होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक ही होते हैं, कॉमन ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन होती है. एक्सटेंडेड में क्या होता है, ओरिजिनेटिंग जो एप्लीकेशन है वो कम से कम किसी एक मूल ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन के अलावा क्या हो, अन्य सदस्यों में से कम एक सदस्य की क्या हो, ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन के समान हो, तो वो कहलाएगी एक्सटेंडेड पेरेंट फैमिली. डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक पेटेंट फैमिली में ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन है वो एक ही समय जो है वो प्रकाशन कार्यालय में क्या होती है, ऑफिशियल एप्लीकेशन वो प्रेजेंट होती है. देन कम्स नेशनल पेटेंट फैमिली. इसमें एक से अधिक जो इन्वेंशन है वो रिलेटेड होती हैं, और उसके जो सदस्य हैं जो प्रकाशन उसी एक कार्यालय द्वारा हो, जिनमें कम से कम दो या एक दूसरे से भिन्न हो, और उनकी प्रायोरिटी राइट्स हैं उसके बेस पे हम जो है ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन को इसमें इंक्लूड करते हैं जो उस फैमिली के अन्य समस्त सदस्यों की एप्लीकेशन से मिलती हो, उसको हम
नेशनल पेटेंट फैमिली में इंक्लूड करते हैं। देन हमारा लास्ट है आर्टिफिशियल पेटेंट फैमिली। आर्टिफिशियल जो पेटेंट फैमिली है, ये एक ऐसी फैमिली है जो कि इक्विवेलेंट पेटेंट हैं उनके अभिलेखों का एक ग्रुप है, और विभिन्न जो कार्यालय होते हैं जिसमें वो हमारे पेट जो इन्वेंशन है वो प्रकाशित हुई हुई हो, उनमें कम से कम हम कुछ ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन के क्या ना हो, समान ना हो, जबकि समान किसमें हो, डोमेस्टिक में क्या था, समान थी जितनी भी हमारी प्रकाशन जो थी ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन, जबकि आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है कन्वेंशन कंट्री। यदि किस भारत किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या द्विपक्षीय संधि, सम्मेलन या समझौते का सदस्य या पार्टी देश है, और कोई अन्य सदस्य भारत के सापेक्ष सम्मेलन देश होगा, यदि वह देश भारत में पेटेंट के लिए आवेदकों, भारतीय नागरिकों को पेटेंट के देने तथा पेटेंट अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता हो, या फिर अपने नागरिकों को या अपने सदस्य देशों के नागरिकों को करता है, तो इसमें क्या होगा, तो इन नियमों का अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उसमें, तो ऐसे देश का कोई नागरिक किसी प्रकार से भारत में ना ही कोई पेटेंट का स्वामी हो सकता है, ना ही वो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और ना ही वो क्या कर सकता है, लाइसेंस पा सकता है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कन्वेंशन कंट्री में आते हैं। अभी आपके कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं पेटेंट्स जो भी इंडिया में हमारे लाइसेंस्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जसमती या टेक्समती जो हमारा ट्रेडमार्क है, वो इसमें क्या कर रही है, उपयोग करके जो ट्रेडमार्कों का उपयोग करके विक्रय कर रही है कंपनी, जो कि मोस्टली जो बासमती चावल है उसका एक कौन सा है, दूसरा रूप है टेक्समती या जैसमती, कैसमती, ये जितने भी इसके क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएशंस हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जो बासमती का उपयोग करने जो तर्क दिया है कि जो बासमती है उसकी एक पर्टिकुलर क्या है, स्मेल है उसकी, एक पर्टिकुलर अपना टेक्सचर है, तो वो जेनेरिक, उसका जो नाम है वो क्या है, जेनेरिक है, ना कि चावल की उस विशिष्ट प्रजाति का जो भारत में पैदा होती है। तो यह पद अनेक वर्षों से जेनेरिक रूप से दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त इस प्रजाति के लिए उपयोग करता है, जैसे अमेरिकन बासमती, यूरोपियन बासमती एंड थाई बासमती, लेकिन भारत ने अपने पक्ष में कहा कि जो बासमती है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं है, परंतु ये किसी एरिया ऑफ ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। तो अब भारत के पक्ष में हुआ क्या कि जो रायसेटिक कंपनी है उन्होंने कहा कि अब जो बासमती टर्म है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया है वो उसके द्वारा इसको संरक्षण दिलाने का जो प्रयत्न है वो क्या है, वो जेनेरिक हो चुका है। तो भारत ने इस कंपनी को प्राप्त करने को जो पेटेंट है वो रद्द करने के लिए अप्रैल 2000 में क्या दी थी, चेतावनी दी थी। मतलब भारत का ये कहना है कि जो बासमती है वो इंडियन ओरिजिन का है, ना कि वो जेनेरिक है। तो अगर सॉरी तो वो क्या है, वो अगर जेनेरिक रूप से देखें तो वो बासमती वो क्या है, इंडिया का है, लेकिन अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने भी इसे अपना नाम देकर क्या किया है, इसका कमर्शियल यूज किया है। तो अब भारत ने क्या किया, इसको चुनौती दी 2000 में और इसका पेटेंट रद्द कराने के लिए। तो अब जो है वो यूजर यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के तहत जो है वो रायसेटिक कंपनी द्वारा विकसित जो हाइब्रिड बासमती ग्रेन है उसको केवल तीन, उसके केवल तीन जो स्ट्रेन है, यानी कि थ्री जो स्पीशीज है उस राइस की, वो पेटेंट की मान्यता प्रदान की है। और इसमें पेटेंट के जो स्ट्रेन थे वो सब में क्या थे, डिफरेंट थे। पेटेंट ऑफिस मैड्रिम ने बासमती जो अपेलेशन है उसका प्रयोग किए जाने के लिए स्वीकृति दी थी, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि जो बासमती है वो कोई ट्रेडमार्क या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है,
बासमती क्या है वो भारत में भी क्या है एक तरीके से, भौगोलिक संकेत नहीं माना जाता है। और जो हमारा CCSHAU यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें हिसार के वैज्ञानिकों ने क्या किया, डेट पाम जो है उसको उसके पौधे के लिए मेल और फीमेल का जो नर्सरी स्टेज है उसमें ही वो प्राप्त करने की जो विधि है वो विकसित कर ली है, और जिसके लिए जो विश्वविद्यालय है वो केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा जो पेटेंट है वो प्रदान किया गया है। और अब तक 4 से 5 साल के बाद ही ये पता चलने पर कि 50 से 60 जो फीमेल प्लांट्स हैं वो पॉलिनेट करने के लिए 1 मेल प्लांट को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखकर शेष जो अननेसेसरी जो मेल प्लांट्स हैं उनको शुरू में ही नष्ट कर दिया जाएगा, और जिससे पौधों को दिए जाने वाले जो पोषक तत्व होंगे उसकी भी बचत होगी। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं, ये आपको मेंशन करने हैं पेटेंट इन इंडिया का, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एक बासमती का और एक डेट पाम का, ये दो एग्जाम्पल हमारे रिसेंटली अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका है पेटेंट एजेंट्स, यानी कि इसमें बता रखा है कि कैसे हम जो पेटेंट एजेंट होते हैं हम जिनको हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाइड जो पर्सन होते हैं उनकी क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कि पहला वो क्या हो, भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो और वो उसे बैचलर डिग्री या उसके समक्ष केंद्र सरकार द्वारा अमान्य अन्य उपाधि क्या वो प्राप्त हो, और कंट्रोल जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है उसके द्वारा संचालित संबंधित परीक्षा उसने उत्तीर्ण की हो, तो वही एज अ पेटेंट एजेंट क्वालिफाई हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन है या तो वो मुजरिम घोषित कर दिया गया हो या फिर वो न्यायालय द्वारा अशुद्ध या दोषपूर्ण बुद्धि का व्यक्ति घोषित कर दिया जा चुका हो या फिर दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, ऐसे कुछ एक कंडीशन है जिसमें पेटेंट एजेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, या फिर उसका जो आचरण हो वो क्या हो, एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में बुरा हो। देन उसके बाद आता है कि डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज ऑफिस जो है हमारा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में हेड ऑफिस है पेटेंट का वो है कोलकाता में, और जो उसकी ब्रांच ऑफिसेज है वो कहाँ कहाँ है, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई और कोलकाता में। ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री है वो हमारी मुंबई में होती है, ब्रांच ऑफिसेज के वही हैं कोलकाता, चेन्नई और साथ में अहमदाबाद और न्यू दिल्ली, डिजाइन ऑफिस कोलकाता, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई, ये आपको सब ये बाय हार्ट लर्न करना है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है वो हमारा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, ये कॉमन है कुछ सिटीज। PIS नागपुर में है, और जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है वो भी नागपुर में है। इसमें फिर आपको कुछ पेटेंट ऑफिस एंड जुरिस्टिकेशन है इंडिया, और उसके बाद है पेटेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने पढ़ी थी, ये इम्पोर्टेंस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है कॉपीराइट।